तो बहुत सारों को मैंने फिश खिलाया, उसमें से एक को खजाने का पता चला है और वो हमें खजाने की तरफ लेके जा रहा है। और ये हम जा रहे हैं खजाने की तरफ, देखते हैं ये हमें कहाँ तक लेके जाता है और कौन सा खजाना दिखाता है। मेरे दोस्त तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तो यार पिछले 2 साल से मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, अब मैं माइनक्राफ्ट में पूरी तरह प्रो हो गया हूँ, यानी कि मुझे सारी चीज़ों का पता चल गया है। और तो और मुझे माइनक्राफ्ट के बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में भी पता है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो सारे सीक्रेट्स हैं ना वो तुम लोगों से भी शेयर किया जाए। तो मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं तुम्हें वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो 80% लोगों को पता नहीं होंगे। तो ये एपिसोड 1 है जिसमें हम बताने वाले हैं डॉल्फिन के बारे में, यानी कि डॉल्फिन के मैं 5 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जो तुम्हें आज तक पता नहीं होंगे, या फिर मैं गारंटी देता हूँ 80% लोगों को पता नहीं होंगे। तो इसी बात में मुझे इस वीडियो में 5000 लाइक्स चाहिए, तो 5000 लाइक्स जैसे ही होंगे तो मैं दूसरा एपिसोड भी बनाऊंगा इसका। तो चलो यार गेम को स्टार्ट करते हैं। यार तुम्हें पता है डॉल्फिन में जेलिसी बहुत है, वो एक दूसरे से जलते बहुत हैं, यकीन नहीं आता ना, तो मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ। वो इस तरह के हम जब भी पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं ना तो डॉल्फिन उसके साथ खेलने लग जाते हैं, लेकिन सीक्रेट ये है कि मैं पानी में बहुत सी चीज़ें फेंकता हूँ, उनमें से कोई एक चीज़ यानी कि एक ब्लॉक या एक वूल है ना, वो एक डॉल्फिन चूज़ करेगा। फिर क्या होना है ये होना है कि सारे के सारे डॉल्फिन उसी ब्लॉक के पीछे लग जाएंगे और उसी बंदे के पीछे लग जाएंगे और उसी ब्लॉक के पीछे एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को किल करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। यकीन नहीं आता ना, देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने फेंक दी हैं, इनमें से एक ब्लॉक चूज़ करने दो एक डॉल्फिन को, तो सारे के सारे उसी के पीछे लग जाएंगे। अभी देखना क्या होता है, मुझे लगता है एक ब्लॉक चूज़ कर लिया, वो देखो ओके, तो ब्लू ब्लॉक एक चूज़ कर लिया, लाइट ब्लू चूज़ कर लिया और सारे के सारे ग्रुप वाले उसी के पीछे लग गए। अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ सीक्रेट ख़त्म नहीं होता। अभी देखना ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से पहले तो इससे छीनने की कोशिश करेंगे, जब छीन नहीं पाएंगे ना सारे ग्रुप वाले तो एक दूसरे को मारने लगते हैं, ये एक दूसरे को किल करने लगते हैं। अभी देखो क्या होता है, वो अभी तक ब्लॉक के पीछे ही हैं, मुझे अभी समझ नहीं आ रही है कौन से ब्लॉक के पीछे हैं। लाइट ब्लू वाले ब्लॉक तो यहाँ पे है, लेकिन कोई ना कोई ब्लॉक के पीछे हैं इतना मुझे पता है। अभी ये एक दूसरे को किल भी करने लगेंगे, जब इनसे छीन नहीं पाए गए, एक दूसरे से छीन नहीं पाएंगे तो एक दूसरे को किल करेंगे, देखना अभी क्या होने वाला है। ओके लड़ो 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 मज़ा आ रहा है मुझे। ओए ये देखो मारने लग गए एक दूसरे को मारने लग गए। और पता है क्या, ये जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये वो ब्लॉक एक दूसरे से छीन ना लें, आखिर में जो बच्चे का ना वही जीत जाएगा, है ना मज़े की चीज़। वो देखो अभी भी लड़ रहे हैं और वहाँ पे सारे ब्लॉक सेम कलर के भी पड़े हैं, लेकिन उनके पास नहीं जा रहे, वो उसी एक ब्लॉक के पीछे लड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा जेलिसी क्या हो सकती है यार, इससे ज़्यादा जेलिसी क्या हो सकती है कि एक दूसरे को मार रहे हैं उस चीज़ के लिए, ये देखो मार रहे हैं। तो अगर सीक्रेट पसंद आया तो यार इसी बात पे लाइक कर दो और आगे वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा मज़े के सीक्रेट हैं। तुम सबको ये पता है कि डॉल्फिन हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन इंजॉय भी बहुत सारा करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है डॉल्फिन बदला भी लेते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें शेड देना तो वो बदला ज़रूर लेते हैं। तो वो 3 तरह से बदला लेते हैं, यानी कि जिसको भी हम मारेंगे ना उसके पास जो भी दूसरा डॉल्फिन होगा ना वो हम पे अटैक करेगा, या फिर ये सारे ग्रुप में अटैक करेंगे, या फिर ये छुप छुप के अटैक करते हैं यानी कि पीठ पे वार करते हैं। यकीन नहीं होता तो अभी देखना यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखो यार। अभी हमें ये देखना है कि वो डॉल्फिन कौन सा अटैक हम पे करता है, हमने अभी सब पे अटैक करना है। और एक कमाल की बात बताता हूँ, जिस पे भी हम अटैक करेंगे ना वो बदला ज़रूर लेगा, वो ज़रूर बदला लेगा और हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको मैंने अटैक किया, अभी देखो कुछ भी नहीं कह रहा, तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ये पीठ पे वार करेगा, देखना अगर ये कुछ ना करे तो इसका मतलब वो पीठ पे वार करेगा, घूम फिर के आएगा और पीठ पे वार करेगा। यार ये कहाँ से आ गया, अभी हम खेल रहे हैं ना यार, अभी मत आना प्लीज़, मत आ अभी हमें, मुझे सीक्रेट बताना है यार। अभी मैंने इतने सारे डॉल्फिन, 2 डॉल्फिन पे अटैक किया और एक ने अटैक बैक किया है अभी मुझ पे, देखा तुमने, अभी एक ने अटैक बैक किया था, 2 डॉल्फिन पे हमने अटैक किया, उनमें से एक ने तो बदला ले लिया, बाकी एक का बाकी है तो वो देखते हैं कैसे ओके देखा दोनों ने बदला ले लिया लेकिन रुको एक दफ़ा मैं, मुझे इसको मारने दो फिर देखना डॉल्फिन के साथ और मस्ती करता हूँ। अभी देखो ये कुछ भी नहीं कह रहे, और दोनों ने बदला कैसे लिया, हमारे पेट पे वार किया, यानी हमें पता भी नहीं चला, पीछे से उन्होंने अटैक किया, सामने से अटैक नहीं करते, पीछे से अटैक करते हैं। अभी देखो तीसरा अटैक मुझ पे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी तक किसी तीसरे को नहीं मारा था, लेकिन अभी मारूंगा इनको, अभी इसको भी मार दिया,
ओके, ये नहीं कह रहा कुछ भी, ये भी पीठ पे वार करेगा, बड़े डैश हैं यार ये पीठ पे वार करते हैं, लेकिन लेकिन इसको मारा है। ओके, ये पीठ पे वार हुआ है अभी मेरे। नहीं, इससे मेरी एनर्जी जा रही है, एनर्जी जा रही है, पानी की वजह से एनर्जी जा रही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा डॉल्फिन पे अटैक किए हैं यार, काफ़ी ज़्यादा अटैक किए हैं, और ये मुझे नहीं छोड़ने वाले ये देखो नहीं छोड़ने वाले मुझे, कोई सामने से अटैक नहीं करा, सारे के सारे पीट्स पे अटैक कर रहे हैं। आई थिंक इसलिए अटैक करें क्योंकि ये मैंने क्रिएटिव मोड से लेकर आया हूँ डॉल्फिन, इसलिए इस पर बाकी मेथड यूज़ नहीं हो रहे। लेकिन लेकिन एक ने अभी सामने से अटैक किया था, देखा तुमने, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया मुझे तो। चलो नेक्स्ट सीक्रेट की तरफ चलते हैं, ये तुम्हें पसंद आया होगा मुझे पता है। यार तुम्हें पता है एक डॉल्फिन है ना, वो पानी के बगैर 2 मिनट तक जिंदा रह सकता है, 2 मिनट के बाद ना वो मरने लग जाता है। अभी इस डॉल्फिन को मैंने बाहर छोड़ा हुआ है, तो यानी कि ये पानी से दूर है, तो ये पूरे 2 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, यानी कि कूदेगा, छलांगेगा, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, छलांग मारेगा, कूदेगा, घूमेगा, फिरेगा, लेकिन पूरे 2 मिनट तक इसको कुछ भी नहीं होगा, और 2 मिनट के बाद ये मरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सीक्रेट ये नहीं है, सीक्रेट क्या है वो तुम्हें आगे पता चलेगा, पहले तो इसको पूरी तरह देखो यार, ठीक है। तो 2 मिनट होने वाले हैं और ये मरेगा, अभी मरेगा, देखना, मरेगा 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 मरेगा। ओके, मरना स्टार्ट हो गया, 2 मिनट के बाद ये मरना स्टार्ट हो गया, और ये मर रहा है, और ये मर रहा है, और ये बेचारा मर गया। लेकिन लेकिन रुको रुको रुको, अभी बाकी है यार, अभी सीक्रेट तो बाकी है, अभी सीक्रेट बाकी है, रुको जरा, सबर करो। तो पानी के बाहर वाला तो बहुत से लोगों को पता होगा, मुझे गारंटी से मैं बता सकता हूँ कि 50% लोगों को वो पानी से बाहर वाला पता होगा, लेकिन सीक्रेट ये है कि वो है कि तुमने बहुत से डॉल्फिन को ना पानी के बाहर जंप मारते हुए देखा होगा। तुम्हें पता है वो जंप कब कब मारते हैं? वो ये सीक्रेट है कि कोई भी डॉल्फिन है वो 2 मिनट से ज़्यादा पानी में नहीं रह सकता, यानी कि उसको 2 मिनट के बाद एक दफ़ा बाहर आना ही आना है। तो ये डॉल्फिन में मैंने नज़र रखी हुई है, पूरी तरह नज़र रखी हुई है, 2 मिनट के बाद इसको पानी के बाहर एक दफ़ा छलांग मारनी ही मारनी है, अगर ये छलांग नहीं मारेगा तो हो सकता है ये मर जाए, इसको 2 मिनट के बाद पानी के बाहर छलांग मारनी है। और ये देखो अभी तक पानी के अंदर घूम रहा है, लेकिन 2 मिनट के बाद ये पानी के बाहर निकलेगा और इसको निकलना पड़ेगा, ये सीक्रेट है हमारा। तो 2 मिनट होने वाले हैं, 2 मिनट में सिर्फ 5-6 सेकंड रह गए, तो 5, 4, 3, 2, 1, अरे आजा यार, आजा 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 आजा, और ये आ गया ये हुई ने बात। तो नेक्स्ट सीक्रेट ये है कि डॉल्फिन खाते हैं रॉ फिश, लेकिन रुको रुको, ये सीक्रेट नहीं है यार, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये है कि हम डॉल्फिन को रॉ फिश खिला तो सकते हैं, लेकिन उसी रॉ फिश को अगर हम फेंकेंगे ना तो उनको उसको खाएंगे नहीं। लेकिन रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, एक दफ़ा मुझे इसको खिलाने दो, इसको खिलाने के बहुत से फ़ायदे हैं, वो भी फ़ायदे मैं तुम्हें बताता हूँ, फ़िलहाल तो इनको मुझे खिलाने दो। और मैं एक काम करता हूँ, इनके आगे रॉ फिश को फेंक देता हूँ और फिर देखना क्या होता है। हा। अभी देखो, इसको ये खाएंगे नहीं बल्कि इसके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। अभी देखो, हमने बहुत सारों को रॉ फिश खिला दिया और ये मैंने फेंकने वाला भी तुम्हें दिखा दिया, लेकिन 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 इनमें से बहुत से ना वो हमारे दोस्त बन जाते हैं और वो हमें खजाने की तरफ लेके जाते हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो बहुत सारों को मैंने फ़िश खिलाया, उसमें से एक को खजाने का पता चला है और वो हमें खजाने की तरफ लेके जा रहा है,
और ये हम जा रहे हैं खजाने की तरफ, देखते हैं ये हमें कहाँ तक लेके जाता है और कौन सा खजाना दिखाता है। मेरे दोस्त तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। ये हमें खजाने की तरफ लेके जा रहा है, ये हमें खजाने की तरफ लेके जा रहा है और मैं जाने वाला हूँ। ओके, वो देखो आगे 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 यार, एक बोट है जो पानी में है, उसमें खजाना हो सकता है। लेकिन ये कहाँ जा रहा है यार, ये यहीं पे रुक गया है। इसका मतलब पता है, ये कह रहा है आगे मत जाओ, ये कह रहा है नीचे वाले बोट में खजाना है। तो देखते हैं वहाँ पे हमें खजाना मिलता है कि नहीं। ओए वहाँ पे एक चेस्ट है, मुझे चेस्ट नज़र आ रहा है, तो उसमें खजाना ज़रूर होगा। तो मैं जा रहा हूँ नीचे और देखता हूँ उसमें खजाना मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, तो वाओ खजाना मिल गया यार, फाइनली खजाना मिल गया। तो ये वाला सीक्रेट कैसा लगा? अगर ये भी पसंद आया तो यार इसी बात पे लाइक कर दो, और जिसने भी लाइक किया है ना वो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे सीक्रेट अब आते रहेंगे। तो जो लास्ट वाला सीक्रेट है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, और मैं गारंटी से बता सकता हूँ 100% लोगों को इसका पता नहीं होगा, 100% लोगों को इसका पता बिल्कुल भी नहीं होगा। वो सीक्रेट ये है ना, सबसे पहले तो हमें एक दोस्त बनाना पड़ेगा, वो है डॉल्फिन को दोस्त बनाना पड़ेगा। मुझे एक डॉल्फिन ढूंढना होगा और मैं तुम्हें सीक्रेट वो बताता हूँ। वो ये है कि अगर हम किसी को दोस्त बना लें ना, तो वो क्या होता है, हमारी कीमती चीज़ें ना वो अगर पानी में डूब जाएँ या कहीं पर हम अगर मर जाएँ, तो वो हमें डॉल्फिन वो हमारी चीज़ें वापस कर देता है। यकीन नहीं आता ना, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वैसे तो सारे डॉल्फिन वापस करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि पानी के किनारे में वो चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन अगर हम किसी डॉल्फिन को दोस्त बना देते हैं, तो जहाँ पे हम खड़े हैं ना, वो हमारी चीज़ें वहीं पे लेके आकर वापस करेगा। अभी देखना, ये वापस करेगा, ये वापस करना, प्लीज़ वापस करना, इंसल्ट मत कराना, मेरी बेइज्जती मत कराना। मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ है डायमंड का, तो मैं एक काम करने वाला हूँ, इस डॉल्फिन के आगे उन सूट को इसको फेंकता हूँ, तो देखते हैं ये वापस करता है कि नहीं। अभी एक तो मैंने करीब फेंका है, तो एक काम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा दूर फेंकता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर नज़र आए कि ये हमें वापस करता है कि नहीं। तो मैं इसको उनको बीच में फेंक रहा हूँ, और वैसे भी ये चीज़ें हमारी डूब गई हैं, ये आगे पीछे चली जाएंगे। लेकिन 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 रुको रुको, अभी डॉल्फिन इसको वापस भी करेगा। कहाँ गया ये डॉल्फिन, डॉल्फिन कहाँ भाग गया यार, प्लीज़ वापस आ जा, प्लीज़ वापस आ जा, मेरा सीक्रेट नंबर 5 इस पे वर्क होना चाहिए, प्लीज़। ओके ओके, आ गया आ गया, चलो वापस करो मेरी चीज़ें, वापस करो मुझे। ये वैसे कहाँ से ढूंढ रहा है, ओए वैसे ये सूट ढूंढ रहा है, जो सूट नीचे चला गया ना उसको ऊपर लेके आएगा मुझे लगता है। ओए वो ऊपर आ रहा है, वो देखो, हो सीक्रेट काम कर रहा है, सीक्रेट काम कर रहा है यार। अभी तो ये हमें वापस करने लगेगा यार, वापस कर जा। ओए क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आए। ओए ये देखो हमारी जो कैप है वो यहाँ पे, हेलमेट यहाँ पे, तभी ये यहाँ पे घूम रहा है। और ये देखो मुझे वापस किया इसने, थैंक यू यार, कितनी खुशी हो रही है मुझे, कितनी खुशी हो रही है, हमारा पेट बन गया है पूरी तरह, और ये हमारी चीज़ें वापस करता है। तो यार अगर कभी भी मर जाओ ना, तुम्हें एक डॉल्फिन दोस्त तो चाहिए, वो क्या करेगा तुम्हारे घर तक चीज़ें लेके आएगा। टाइम लगता है उसमें, एक दो दिन भी लग सकते हैं, लेकिन वो वापस ले आएगा सामान को। अभी देखो वो उनको भी लेके आएगा, उनको भी लेके आ रहा है, किनारे में लेके आएगा या फिर हमारे करीब लेके आएगा, और ये लेके आ रहा है यार। यार मैं गारंटी से बता सकता हूँ, ये सीक्रेट बहुत कम लोगों को पता होगा, ये सीक्रेट बहुत कम लोगों को पता होगा, और ये 100% वर्क करता है। ये देखो वर्क कर रहा है, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। इसी बात पे यार लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ यार तुम्हें ये सीक्रेट कैसी लग रही है, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। ये डॉल्फिन गया कहाँ यार, ये देखो यार, ये जो हमारा जो शूज़ है ना, वो शूज़ इस तरफ लेकर आ गया, इस तरफ कोने में लेके आया यार, हम इधर हैं लेकिन वो दे उधर रहा है हमें। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से उठा लेते हैं इसको खुद, ये किनारे पे लेके आया, देखो इस तरह इसने हेल्प तो कर ली है, लेकिन ये हमारे बिल्कुल सामने ही लेके आया, क्योंकि ये चीज़ें फेंकना तो इनको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है डॉल्फिन के लिए, लेकिन वो मार मार के किसी तरीके से कोने में या साइड में लेके ही आता है। अभी हमें देखना है कि बाकी चीज़ें वो किस तरह में वापस करता है, या कोने में लेके जाता है या बिल्कुल हमारे सामने लेके आता है। अभी ये डॉल्फिन कहाँ गया, वो वहाँ पे, अरे जल्दी आ, वेट नहीं होता, बड़ा टाइम लगाता है ये, वैसे कहाँ भाग गया था यार, कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी कर, वो देख चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं। ओए पागल कहीं का, इधर आ इधर आ इधर आ इधर, वो देखो हमारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं, जल्दी वापस कर, हमसे वेट नहीं हो रहा, बहुत टाइम लगा रहा है तू। ओके आ जा, वो देखो लेके आ रहा है, अरे यार लेके आ जा, आ जा आ जा, कितना क्यूट है यार तू, कितना क्यूट है, वो देखो दोनों की दोनों चीज़ें किनारे पे लेके आए। ओ माय गॉड, ये देखो, ओ माय गॉड, दोनों के दोनों चीज़ें लेकर आ गया, हमारी कीमती चीज़ें हमें वापस मिल गई है।
और ये उसको भी लेके आ रहा है यार, आगे ये क्या था, पैंट है, पता नहीं क्या है, पैंट पैंट को भी लेके आ रहा है। और ये हमारा सूट हमें एक तो वापस दे दिया है बिल्कुल। ओके वो भी कोने पर रख दिया इसने, उसको भी हमें वहाँ से उठाना पड़ेगा। ओके ये बिल्कुल कोने में लेके आ गया, चलो इसको हम ले लेते हैं, पैंट को ले लेते हैं, डायमंड की पैंट को ले लेते हैं। ये देखो ये हमें वापस कर दिया। और दूसरी चीज़ कहाँ है हमारी, दूसरी चीज़ भी हमें वापस करो। ओके कहाँ गया, अरे उठाने तो दे पागल, ये उठा लिया। अब देखो वो चीज़ को कहाँ ले गया, वो चीज़ को वहाँ तक ले गया है, बिल्कुल कोने तक लेके गया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मज़ा आ गया मुझे। ये चीज़ को भी उठा लेते हैं यार। और यार ऐसे सीक्रेट मुझे एक नहीं दो नहीं, मुझे 100 से ज़्यादा पता है, और हर करेक्टर के बारे में पता है मुझे। नीचे कमेंट्स करो नेक्स्ट सीक्रेट 5 सीक्रेट किस करेक्टर के बारे में जानना चाहते हो। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, इसमें मुझे 5000 लाइक्स चाहिए। अगर मुझे 5000 लाइक्स मिल गए तो मैं नेक्स्ट करेक्टर पे भी 5 सीक्रेट ऐसे लेके आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के होंगे, और 80% लोगों को उन सीक्रेट्स के बारे में पता नहीं होगा। और कमेंट्स करके बताओ कौन से करेक्टर के तुम्हें सीक्रेट जानने हैं, ठीक है, ये कमेंट ज़रूर करो। और सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल आई एम खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और यार हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे जाओ और मुझे फॉलो ज़रूर करो, जल्दी से 10K फॉलोअर्स कर दो यार। तो यार चलो यार आज के लिए इतना ही, बाय। रुम्बा, रुम्बा।